हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं सोनिया गुजरी व्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइज कल व्लॉग आया था शादी का पार्ट वन, आज पार्ट टू है। पार्ट टू इसलिए आ गया क्योंकि कल मैं इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, इसलिए अच्छे से मैं एडिट ना कर पाई, नहीं तो सही एडिट करके मैं कर देती एक साथ ही सारा। तो गाइज आज पार्ट टू है, तो आप देखो और इन्जॉय करो, और उसके पहले लाइक कर देना, आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कमेंट। तो देखो और एंजॉय करो। हमें आना ही पड़ा, आपने हमारा दिल जो जीत लिया। तो गाइस बड़े वाले के अब हो रहे फोटोशूट यहाँ पे, और जल्दी जल्दी घर आ रहे हैं क्योंकि दूसरे की बारात आ चुकी है बाहर। टीका हो रहा है दूल्हे का, तो बस आगे आने वाले हैं। तो गाइज ये हमारी बुआ है और इनके चाचा के लड़के की शादी थी, हमारी परिवार से है, और बोल रही थी कि मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ भाभी। नहीं,
देख ऐसे ही गिरे ग्रह माला हमारी ऐसे ही गिरी उसे गिरी अरे गाड़ी में छोड़ दी इन्हें माला तो पर इन्हें हटाओ ना थोड़े से एंड गई थोड़ी सी सारा टेंट खाली है पीछे थोड़ा बहुत आदमी बाराती बचे हुए हम जा रहे घर घर जाके मिलेंगे तो भाई इधर सर्द खाना खा रहा हूँ ऐसे पता ना मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ यू अभी आया हो कहीं चला गया हो तो तब आया हो अब खाना खा रहा हूँ आज रात के 11 बज रहे अब हम जा रहे हैं घर घर जाके जब मिलेंगे तो गाइस देखो हमारे साथ कौन है तवर साहब हम गए पार्टी में लेट हमने इतने वक्त तब तक व्लॉग बना लियो आप लोगों के लिए हमारा काम ही कर रहेगा लाना छोड़ना और क्या आप बाहर तो कहीं आप लेने जाते व्लॉग बनवाने तो ये तो कर सकते हो ये देख लो अभी वहाँ फंसे खड़े रहो बारात इनकी हुई हुई कोई भी पर इतने समझदार लोग रहे ना गेट पर लगा के जा जो हम उतर जाते हैं क्या कर सकते हैं हमारी गाड़ी को रास्ता रोक दिया अब हम कैसे गाड़ी खड़ी करें इधर हैं यार दिखाई मतलब हिंदुस्तान में ना सब जगह समस्या भाई ऐसे अकलबंद लोग ऐसे लोग अकलबंद लोग होते हैं सीख जाओ यार किसी के गेट बंद मत करो तो आप करके साइड में ही खड़ी कर दो इनको गाड़ी खड़ी कर दी किसी ने हमें अंदर गाड़ी खड़ी करनी गेट के आगे ही लगा दी पर उसकी भी क्या गलती उसे क्या पता किसकी गाड़ी जाएगी अंदर न जाएगी बहन रुक जा ऐसी बात मत कर देखेंगे अभी तो यही चल रहे
तो गाइस हम पहुंच गए हैं घर और हेलो राज, अभी हमारे जीजा आए ही ना दिखे। हाँ कई बात है, कहीं ना छोड़ो घर छोड़ो और रिश्तेदारी ना छोड़ो, कोई बात खा रही पेट देखिए कहाँ पहुंच रहा है। लग रहे चाट रहे हम पे बना ले रहा हूँ खा रहे। अच्छा वे लोग खा रहे पनीर टिक्का, पनीर टिक्का ही चाट लगे सर, पनीर टिक्का फ्रूट लगे है ना। तो गाइस हम आ गए घर और तवर साहब जी सो गए कतई गहरी नींद में, देखिए वहाँ सेंगे नहीं बिल्कुल भी गहरी नींद में ना, गहरी नींद में ना, हंस क्यों रहा फिर, हंस क्यों रहा हो। बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे। तो गाइस चाय के लिए बोल रही, मैंने फोन उठाया था एकदम से सो गए, मैं तो सो रहा हूँ तो लगी रहे फ़ोन के चक्कर में। भाई टाइम हो गया है रात के 12:30 बज गए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अभी नहीं दूसरा फ़ोन है इसमें दिखाती हूँ। अब भी नहीं दिख रहा, 12:44 हो गया, मतलब 12:45 हो चुका है। और अब बोल रहे हैं चाय बना ला, मैं बना लूँ चाय। तो गाइस टाइम हो चुका है 12:45 और मैं बना लूँ चाय। अब चाय के लिए बोल रहे कि चाय बना ले, मैंने चढ़ा दिया चाय, दूध ही चढ़ा दिया, दूध में हल्की सी पत्ती लगा लूँगी क्योंकि ना अब जैसे हम वहाँ खा के आए हैं ना तो मैंने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब कोल्ड ड्रिंक पी के गला वैसा हो रहा, फिर तक खांसी उठ रही है। कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी थी पर पी ली ना, उससे ही खांसी उठ रही है, ऐसे ठंडी नहीं थी बिल्कुल भी फिर भी खांसी उठ रही है। और गाइस शादी में इतना मन लगा, लेकिन क्या है ना कि आराम से चीज़ तो हो ही नहीं सकती, शादी ब्याह बारात में लड़ाई बाजी थी। और हम तो फिर आगे घर, मैं कि भाई निकल लो ऐसे में, आपने आप देखते रहेंगे अंकल वगैरह और हमारे पापा वगैरह सब वही है, बड़े लोग आप सुलटा लेंगे क्योंकि फिर सारे गर्म दिमाग की इकट्ठे हो जाते, थोड़ा बात बिगड़ ही जा रहा है। तो मैं बना रही हूँ चाय बना के आए, चाय बन चुकी है लगभग, बस अदरक और डाल दें इसमें, मैं तब तक सो ना जाए फिर मैं यहाँ चाय बनाती हूँ। हाँ जी चाय बन गई है, कभी सो जाओ, हाँ चेंज कर लो आप इतने। तो भाई तब तक ये कर रहे चेंज और मैं भी कर लूँ, फिर मिलते हैं, तब तक चाय भी बन जाएगी। तो गाइस रात के बज चुके हैं 1 और हमारी चल रही है यहाँ पे चाय, और चाय के साथ ही हम करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे गाइस, सब्सक्राइब भी करे, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।